कई सालों की थिएटर की तपस्या और 25 साल पुरानी सरकारी नौकरी का त्याग करने वाले एक्टर मिथिलेश चतुर्वेदी अब इस दुनिया में नहीं रहे। लखनऊ के रहने वाले मिथिलेश चतुर्वेदी काफी सीधे साधे और साधारण इंसान थे। वो इतने सीधे थे कि उन्होंने कभी भी अपने काम की पीआरशिप नहीं की। अगर आज भी आप सोशल मीडिया पर मिथिलेश चतुर्वेदी टाइप करेंगे तो शायद आपको बहुत कम ही ऐसे वीडियोस और फोटोज मिलें जिनमें आपको उनकी झलक दिखाई दे। अपने एक इंटरव्यू में मिथिलेश चतुर्वेदी ने खुद ये बात कबूली थी कि बॉलीवुड में उनका पीआर करने वाले भगवान थे, क्योंकि उन्होंने खुद कभी अपना पीआर किया ही नहीं। और शायद यही कारण था जब फिल्म कोई मिल गया के लिए राकेश रोशन उन्हें ढूंढ रहे थे तो उन्हें बहुत हाथ पैर मारने के बाद मिथिलेश चतुर्वेदी का नंबर मिला था। और उसके बाद उन्होंने उन्हें फोन करके इस बात के बारे में बताया था कि मेरे पास आपका फोन नंबर नहीं था, मैंने आपका नंबर ढूंढवाया तब जाके मुझे आपका नंबर मिला, मैं आपको फिल्म कोई मिल गया के लिए साइन करना चाहता हूँ। एक्टर डायरेक्टर राकेश रोशन के फोन कॉल के बाद पहले तो मिथिलेश चतुर्वेदी कुछ सकपका से गए, लेकिन जब फाइनली उन्हें इस बात का यकीन हुआ कि राकेश रोशन जैसे नामी एक्टर डायरेक्टर ने उन्हें अपनी फिल्म का ऑफर दिया है तो वो खुशी से फूले नहीं समाए और उन्होंने तुरंत इस फिल्म के लिए हामी भर दी। ऋतिक रोशन के किरदार रोहित के कंप्यूटर टीचर की भूमिका निभाई थी, जिसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। मिथिलेश चतुर्वेदी मुंबई आने से पहले लखनऊ में थिएटर किया करते थे। थिएटर के साथ साथ उनकी एक सरकारी नौकरी भी थी। तकरीबन 25 साल तक उन्होंने ये सरकारी नौकरी की, लेकिन जब उन्हें ये लगा कि वो अपनी नौकरी को टाइम नहीं दे पा रहे हैं और उनकी जिंदगी में नौकरी की जगह पर सिर्फ एक पेंशनर वाली स्थिति बन गई है, तो उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली। मिथिलेश चतुर्वेदी एक ऐसे इंसान थे जो कभी भी अपने फर्ज से अन्याय नहीं करते थे। शायद यही कारण था कि जमी जमाई सरकारी नौकरी मिलने के बावजूद भी उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली, क्योंकि उनका लखनऊ का थिएटर का करियर काफी अच्छा चल रहा था। लेकिन उसके बाद उन्हें ये भी लगा कि अगर लाइफ में लीप लेना है और सरकारी नौकरी छोड़नी है तो उन्हें थिएटर से और आगे बढ़कर काम करना होगा। लिहाजा डरते घबराते उन्होंने मुंबई में पैर जमाने का फैसला ले लिया और उसके बाद वो लखनऊ से मुंबई के सफर पर चल पड़े। बकौल मिथिलेश चतुर्वेदी, उस समय वो काफी डरे हुए थे। उन्हें खुद पर विश्वास थोड़ा कम था, लेकिन उन्हें ऊपर वाले पर पूरा विश्वास था। और फिर आखिरकार उन्हें मिला उनका पहला प्रोजेक्ट, और वो था सीरियल उसूल, जिसमें डेनी डेंजोंगपा के साथ उन्होंने काम किया था। इसके बाद उन्होंने डीडी नेशनल के शो न्याय में काम किया। न्याय में अपने इस किरदार को वो हमेशा याद रखते हैं और उनका कहना है कि वैसा रोल उन्हें पूरी जिंदगी में फिर दोबारा कभी न तो मिला और न ही शायद कभी मिलेगा। सत्या, भाई भाई, ताल, फिजा, गदर एक प्रेम कथा, अक्स, अशोका द ग्रेट, रोड, कोई मिल गया, किसना, बंटी और बबली, क्रिश, गांधी माई फादर, हल्ला बोल, क्रेजी फोर, अजब प्रेम की गजब कहानी, मोनिका, रेडी, माई फ्रेंड पिंटो, फटा पोस्टर निकला हीरो, स्कैम 1992, द हर्षद मेहता स्टोरी जैसी कई जानी मानी फिल्मों और कई नामी एक्टर्स के साथ काम करने वाले मिथिलेश चतुर्वेदी अपनी कई सारी सक्सेसफुल फिल्म्स के जरिए लोगों के नोटिस में तो थे और इसी वजह से उन्हें काम भी मिलता था, लेकिन उन्होंने खुद काम पाने के लिए पीआरशिप का सहारा कभी नहीं लिया। इस मामले में वो अपने आप को आलसी बताते थे। उनका कहना था कि अगर कोई काम उन्हें मिलना है तो वो उन्हें मिलकर ही रहेगा। शायद यही कारण था कि उन्हें फिल्म कोई मिल गया मिली। एक्टर गुफी पेंटल के हूबहू दिखने वाले मिथिलेश चतुर्वेदी को लोग आज भी गुफी पेंटल का भाई समझते हैं, लेकिन असल में मिथिलेश चतुर्वेदी एक इंडिपेंडेंट एक्टर हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में काफी लेट कदम रखा लेकिन बहुत जल्द सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। 3 अगस्त को आखिरी बार एक्टर मिथिलेश चतुर्वेदी ने आखिरी सांस ली। वो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे थे और इसी वजह से उन्होंने मुंबई से अपना बेस छोड़कर अपने शहर लखनऊ में जाना ज्यादा सही समझा। वो कुछ समय से हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ ही रहे थे, लेकिन जिंदगी की इस जंग में वो आखिरकार हार ही गए और 3 अगस्त को एक सीवियर हार्ट अटैक ने उनकी जान ले ली। मिथिलेश चतुर्वेदी के दामाद आशीष चतुर्वेदी ने इस न्यूज को कन्फर्म किया। इस न्यूज के सोशल मीडिया पर आते ही उन्हें जानने वाले और उनके फैंस के मैसेज सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ आने लगे। मिथिलेश चतुर्वेदी को उनके फिल्मी सफर के इस योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। हमारी इस टीम की तरफ से भी मिथिलेश चतुर्वेदी को शत शत श्रद्धांजलि।